मेरी न्यूज़ दुबई की तरफ से सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक नई ख़बर के साथ आपके मोबाइल पर ये तो वीडियो आ रही है, छोटी सी वीडियो को गौर से मुलाजा करें और ये छोटी सी गलती को समझें। यह छोटी सी गलती आप पर भी 50,000 तक का जुर्माना करवा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की पुलिस ने ड्राइवरों को ट्रैफिक सिग्नल पर तवज्जो हटाने से खबरदार किया। सुर्ख बत्तियों को क्रॉस करने वालों पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मुहलक साबित हो सकता है। अबूधाबी पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक सिग्नल पर तवज्जो हटाने के खतरात से खबरदार किया, जिसकी वजह से सुर्ख बत्तियाँ क्रॉस कर ली जाती हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। एक नए सोशल मीडिया पैगाम में पुलिस ने एक मोटरसाइकिल की सुर्ख बत्तियों को कूदने की फुटेज और ड्राइवरों की तवज्जो हटाने पर सड़क पर होने वाले नुकसानदेह नतज को शेयर किया है। देखा जा सकता है कि एक गाड़ी सवार किस तरह से मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है और फिर वो सिग्नल क्रॉस कर लेता है। जैसे ही उसकी तवज्जो मोबाइल की तरफ जाती है, साथ ही वो सिग्नल क्रॉस कर जाता है। अबूधाबी पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को याद दिलाया कि अबूधाबी इमारात में गाड़ियों को जब्त करने के बारे में 2020 के कानून नंबर 5 में वाजह किया गया है कि सुर्ख बत्ती को छलांग लगाने वाले ड्राइवरों को 1,000 दरहम और 12 ब्लैक पॉइंट दिए जाएंगे। लेकिन रुक जाइए, इसके अलावा भी आपकी गाड़ी को 30 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के लिए कैद किया जाएगा, और अगर आप गाड़ी को रहा करवाना चाहते हैं तो 50,000 दरहम तक का जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 51,000 दरहम तक का जुर्माना आप पर पड़ सकता है ये छोटी सी गलती करने पर।